हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है जो चुनाव हो गए 10 साल पहले उसके बारे में, जो हमारे साथ हुआ उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी है, और जो चल रहा है संग्राम, जो युद्ध लड़ रहे हैं हम, उसके बारे में। क्षमा करें, मुझे गला भी खराब है, अगर बोलने में तो गलती भी, तो क्षमा करें। राधे राधे राम राम। ब्राह्मण का युवा कहता हो भाई सूरज जैसा नेता हो, अपारी है सरकार की सूरज सिंह परिवार की, विधाई बड़ा के चक्कर में कोई न तेरी टक्कर में, भाई अमर चंद लोट बंद, वोट दे सपोर्ट दे, दिल खोल के वोट दे, रेड कलर में रामन गेट चुनाव सूरज एडवोकेट, बहुत नाम चले कोई कसर न छोड़ी अदालत में, बहुत नाम चले अदालत में, बारिश आई शावर में, दो सिंगल है टावर में, रामन की जनता पावर में, यानी एक बहुत बड़ा खुदा पुरानी खुदा की उस पे मेहर थी, इसलिए आजम की लहर थी, एक तो नेता थे बेमान लुटिए सारे लोग, तुम्हारी खींचे टांग पैसा देके वोट मांग, अब करेंगे हम इंसाफ, न करेंगे उनको आपकी माफ, ये गरीबों का पैसा सारा साफ, अब जाओ इनसे जान भाई सूरज का दो मतदान, हरी हरी रघुनाथ, नो टेंशन नो घबराहट, एडुकस राजी आपके साथ, जय सरकार सूरज की जो बादल छाए आसमानों में, जय सरकार सूरज की जो बादल छाए आसमानों में, एडवोकेट सूरज सिंह आजाद लड़े मैदानों में, ये जनसैलाब वीर का जम्मू कश्मीर का, सब जन मिलके जिताएंगे विधानसभा में लाएंगे, राजनीति मत भूलो तुम भूमि जो नीति, कश्मीर में अमरनाथ की शक्ति, कोर्ट चलाए दर्द थी सबकी यही मर्जी, राजा कोर्ट पहनेगा मौका देर से मिला, पहाड़ियों में ऊंची पहाड़ी नाम सर्वेदार है, पहाड़ियों में ऊंची पहाड़ी नाम सर्वेदार है, राजा हरि सिंह जैसी तेज की तलवार है, पहाड़ियों में ऊंची पहाड़ी नाम सर्वेदार है, राजा हरि सिंह जैसी तेज ये तलवार है, जो रणभूमि में झंडा गाए सूरज सिंह परिवार है, जो भी नेता आए यहाँ करप्ट जनता करते बेल तक, राजघाट कुमेद गाड़ी रामन गति मेरे में, शिकारी पूछे शेर से दम कितना तेरे में, ये राम का पावन जंगल है अब होने वाला मंगल है, ये राम का पावन जंगल है अब होने वाला मंगल है, रामन डोडा धूमपुर छोटा सा किस्सा सुनो जरूर, रामन डोडा धूमपुर छोटा सा किस्सा सुनो जरूर, जंगल की रानी बोली हूर भाई सूर, भाई सूरज जैसे कोई नूर, सिंगरस के तारे पहाड़ों में, मत लोट गिनो हजारों में, उड़े हंस की चाल परिंदा हो, ना किसी को निंदा हो, रामन का युवा जिंदा हो, उस प्रभु की मेहर से पारी मिली है देर से, अरे जागो भाइयों कैर होगा, उगा है सूरज सैर होगा, सिंह का मतलब शेर होगा, लास्ट पर भी है समझ आओ, बॉर्डर पे जो मार खाए पड़ोसी देखो चीन, बॉर्डर पे जो मार खाए पड़ोसी देखो चीन, सुनो मेरे भाई मीर, फिल्म में लाओ नया सीन, 5 में जोड़ो नंबर 3, तुम चलाओ ऐसी ये मशीन, मार तंती डेरे में, मार तंती डेरे में, जो रेप लिखे अंधेरे में, उज्जत बोली कहर से है तुम कितना तेरे में, बारात माता की, बारात माता की, अगर मैंने ये जो लिखा है पंक्तियां जो बीत गया और आने वाला काल है उसके बारे में, अगर सबको पसंद आए तो प्लीज मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से मैं रिक्वेस्ट और अपील करूंगा कि हमारी सपोर्ट करें, प्लीज हमारी सपोर्ट करें, ये मौका बार बार नहीं आएगा, मैं 10 साल पहले गाड़ी के साथ रह चुका हूँ, ये कार्यकाल में कर चुका हूँ, जो कुछ हमारे साथ हुआ वो जुर्म मेरे अंदर सब भरे हुए, इसलिए ये रैप लिखा मैंने, इसको 6 दिन और 6 रातें 12 दिन लगे मेरे को लिखने में, प्लीज प्लीज एडवोकेट सूरज सिंह परिवार, एडवोकेट सूरज सिंह परिवार, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, धन्यवाद धन्यवाद, जोरदार तालियां अमित जी के लिए, जोरदार तालियां के लिए, आप
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ईश्वरदास जी पत्नी से जो है कृपया मंच पे आए और इनका जोरदार से जोरदार तालियों से स्वागत करें। ईश्वरदास जी जो की पत्नी से जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मेरे साथ मंच पर बैठे हुए राम सिंह जी और इनका साथी में सबका नाम तो आप ये जान चुके होंगे इनकलाब कैसा है। इनकलाब की घड़ी तो आपने देख ली है। मैं पठिन से हूँ और हमारा दुखन पठन और बाथली गांधी वगैरह का भी जो जन शराब आपने जश्नों के हम बच्चों से निकले थे ये शराब आप लोग देख ही चुके होंगे। उसमें हिल गए थे ये जन शराब कहाँ से आ रहा है और हमारे तमाम क्या नाम पोगल पंचतन इनको कहना है जम्मू में हम गए थे प्रयास साहब के साथ खुद लिया था हमने प्रयास की को और हमें पानी तक नहीं पूछा और बाद में रहना साहब आए धन्यवाद बोलना की नहीं बैटरी मेरी बची नहीं है मैं वो सोच रहा हूँ थोड़ा सा विराम करो फिर जब वो बोलेगा तभी खत्म होने वाला है बस मेरी बैटरी। हमारे MLA साहब जो कैंडिडेट इनको हमें लेना था हाथ पकड़ कर ऊंचा कर वाइट डाकर उसके बाद यकीन होता है उन्होंने हाथ पकड़ा और ऊपर की जाके तो इन्होंने बोला बोला पकड़ो आएंगे फूल फाटने के लिए इधर से ठीक है पीछे आप अपने साथ जाना यहाँ से खाली करेंगे वो खाली वहाँ तक जाएंगे ठीक है तो आप जो वीडियो बना आएंगे ना वो सारा कर देंगे तो आप चले जाना पीछे इसको शॉर्ट करके ठीक है। अब अपील की जाती है टाइम बहुत कम है अपनी बहनों को और माओ का जो भी है और जो बची है उनको समझाइए काम की गाड़ी है क्या वोट कास्ट होना चाहिए बात नहीं हो जाए। मैं गहरा बोलूंगा भारत माता की इनकलाब सूर्य सिंह परिहार की आप सुबह से इतनी कड़कती धूप में यहाँ पे आए और अभी सिर्फ 5 मिनट के इंतजार कीजिए अभी परिहार साहब हमको मंच से सब कुछ बताएंगे हमने क्या करना है। और मेरी तरफ से सब लोगों को अपील है कि भारी एक्सपीरियंस से जिताएं और इनको मंत्री बनाकर यहाँ से भेजे और मैं वादा करता हूँ आपको कि हमारा साथ आपको बोलते हैं सराज जी हमारी बेटी चाल जिधर एक चले उधर ही और जो लोग जा रहे हैं प्लीज प्लीज 20 मिनट के लिए आ जाओ। और मैं एक बात जरूरी कहना चाहता हूँ और माफी चाहता हूँ मैंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि इधर से प्रेशर भी किया कि टाइम कम है और इंशाल्लाह जब ये जीत के आएंगे उस दिन खुला टाइम लेंगे। और मैं खास सब लोगों से अपील करता हूँ कि पोगल परस्तान के लोग इस वक्त चंद्रकोट रामबन और शहरों में सूरज लागने से सूरज लागने से
सूर जला गए ताकि वो यही रह जाए और एक बंदा वोट डालने के लिए जाएगा सूरज मेरे बच्चे जम्मू दिल्ली वहाँ से बुलाकर वोट डलवाऊंगा। अब मैं दावा देता हूँ आपके दिलों की धड़कन सब आप लोग के साइड पर खड़े हुए हैं मेहरबानी करके आगे आए आपके महबूब जी जनाब सुरेश सिंह परियार साहब आपसे रुखा तो होने जा रहे हैं। निशु शर्मा जी राजेश शर्मा जी कुंजलाल जी जगदीश राज जी बंसीलाल जी शब्बीर अहमद जी कजूर सिंह जी दिलावर अली जी कृष्ण सिंह जी मिलाप सिंह जी फारूक जी और साथ ही हमीद चौधरी जी इरफान हैदर जी आसिफ अली जी गुलाम मोहुद्दीन जी एक्सल पेंच खुशी मोहम्मद जी अशोक सनासरी जी मोहम्मद अशरफ जी नायब सरपंच रफीक अहमद जी शेख शबीर अहमद जी सेवा सिंह जी
बरतून से सरपंच इश्तियाक अहमद लोन जी, कुंजलाल जी सिलाई से, मुंशी राम मनास जी जडगली से, परशोत्तम सरपंच धार से, हरनाम सिंह हुचक से, श्याम सिंह जी हुचक से, लोचन सिंह जी हुचक से, रघुनाथ जी, फुलेल सिंह जी नैब सरपंच सनासर, मिलाप सिंह जी बिंगला, रंजीत सिंह जी धनवस्ता से, सरदार सिंह जी धनवस्ता से, श्याम सिंह एक्सर बेंच जबरन, ओम सिंह जी, भीषण सिंह जी रिटायर्ड कैशियर, चरण सिंह जी व्यापार मंडल उपाल, केसर सिंह जी पांचल से, रंजीत सिंह फौजी सनासर से, तीरथ सिंह जी आमा से, चरण सिंह जी धनवस्ता से, ओमकार सिंह जी जटगली से, परशोत्तम सरपंच रह चुके धार से, लक्ष्मण सिंह जटगली से, नीरज सिंह जी मरलब पांचम से, मरलब से तारा सिंह जी पिंगलोगा से, मदन लाल सिंचा, बुद्धि सिंह सिंचा, प्यार सिंह जी और योगराज एक्सर पंच दंगराठे, ध्यान सिंह जटगली, रियासत अली जी, रियाज अली, साबर अली, इरफान अली, अमीन मट्टू, अशोक सिंह और इसके साथ ही आसिफ अली मलिक, चंद्रकोट लोकनाथ जी, रामलाल जी, परिंदर सिंह जी, भीषण लाल जी, मोहन लाल जी, प्रदीप कुंडल मैत्रा से, पंजाब सिंह पंचकारी, करण सिंह बंदराल, अमरेश शाह जी और हरिओम सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, चौधरी बाजदीन जी, संदूर सिंह जी कुमेद से, मनजीत सिंह जी देसवाल से, बलवंत सिंह जी, रामलाल जी, पंडित भीषण जी, भविष्य जी, पंडित जीवलाल शर्मा जी, नायब सरपंच जटगली जुछेत्र से, जगदीश राज जी, यूनस सवारिया जी बटोत से, रामलाल जी दुगा से, शेख हरुण हमीद तभी से, अंकेश मनोज जी और वीर सिंह जी, वीर सिंह के साथ साथ ही सर एडवोकेट संदीप सिंह चीफ जी, एडवोकेट करनेल सिंह जी, एडवोकेट कमल किशोर जी, एडवोकेट पवन सिंह बाली जी, एडवोकेट गुलशन बंदराल जी, एडवोकेट मंजीत सिंह जी, एडवोकेट कुलदीप सुमरिया जी, एडवोकेट करणजीत जी, एडवोकेट संजय ठाकुर जी और सभी एडवोकेट्स और सभी व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट और यहाँ पर आई हुई जनता, खासतौर आप सोच रहे होंगे ये नाम क्यों बोल रहे हैं। अब ये वो दिन है जो इस वक्त के इतिहास में हर एक व्यक्ति अपना जो योगदान दे रहा है उनको यहाँ पर आई हुई मातृशक्ति और मातृशक्ति के साथ साथ यहाँ पर आए हुए नौजवान बुजुर्ग साथी और मेरे दोस्तों, आज का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो 2024 का आज का इतिहास रामबन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि ये इनकलाब की जंग है। इस जंग में समाज का हर एक कोना जाति पंथ धर्म से ऊपर उठकर अपने इस भाई बेटे को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। इस आशीर्वाद का नतीजा ये होगा कि हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होगा, हमारी मांगे पूरी होंगी और जिन मांगों के लिए हमारा अधिकार था वो मांगे वो अधिकार हमें अपने दरवाजे तक मिलेंगे। और देखते होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जब नॉमिनेशन भरा जाता है तो कुछ मैंडेट पार्टियों से दिए जाते हैं, कोई पार्टी ए हो, कोई पार्टी बी हो, और कुछ होते हैं जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन भरते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से 2500 से ज्यादा जब लोग
आपने देखा होगा कि किस तरह से जब रामबन असेंबली सेगमेंट से 2500 से ज्यादा लोग दिन में लॉयर्स थे, किसान एसोसिएशन थे, अनएम्प्लॉयड यूथ थी, उसके साथ ही बेरोजगार युवाओं के साथ नौजवान थे और समाज का हर एक वर्ग जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और उनके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने जम्मू में जाकर रामबन असेंबली सेगमेंट की तरफ से डेपुटेशन देने की बात की कि हमारी बात की सुनवाई हो, सुना जाए कि आखिर रामबन असेंबली सेगमेंट के लोग रामबन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात होती है कि बड़ी से बड़ी पार्टियों के दरवाजे जनता के लिए खुले होते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में एक ऐसा शख्स वहां पर बैठा हुआ था जिसका एक चहिता शख्स इधर रामबन असेंबली सेगमेंट में था। वहां पर रामबन असेंबली सेगमेंट के दरवाजे रामबन की जनता के लिए बंद कर दिए गए। लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की अपनी बात रखने की और रखने के साथ साथ ये कोशिश की कि इनके डेपुटेशन के साथ कोई कार्यकर्ता या पार्टी का कोई बड़ा लीडर मिले। उन्होंने आश्वासन देने के लिए बाहर तो लाया लेकिन उस जनता को ना एक गिलास पानी दिया ना अंदर आने दिया। अब ये बात मान सम्मान की होती है, प्रतिष्ठा की होती है। ऊंचे ओहदे पर बैठा व्यक्ति ऊंचा तब तक नहीं हो सकता जब उसका भाव स्वभाव ऊंचा नहीं हो। व्यक्ति कितना भी ऊंचा क्यों नहीं हो उसके मन में जनता के लिए अगर प्रेम नहीं है, जनता के हर वर्ग के लिए प्रेम नहीं है तो उसको देखो हम ठोकर मार चुके हैं। हमने वो ओहदा भी ठोकर मार दिया क्योंकि उस ओहदे की बदौलत आपने देखा होगा कि टिकट के बड़े बड़े सौदागर थे उन्होंने एक भी नहीं सुनी रामबन की असेंबली सेगमेंट के लोगों की। और नीतीश तक जब हम जम्मू से वापस आए क्योंकि अगले दिन रक्षाबंधन थी और रक्षाबंधन का त्योहार था, त्योहार भी था और समाज के हर वर्ग साथ भी थे, तो जम्मू से जब रात को वापस आए तो उनकी सुनिश्चित कर रही थी कि सभी लोग घर में पहुंचे। 2:30 बजे जब रामबन में पहुंचे तो व्यवस्था यह थी कि काफी लोगों को मैंने घर पर रखा, काफी होटलों पर रखे, कुछ पड़ोसियों पर रखे, कुछ को घर के लिए भेज दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति के मान सम्मान के साथ आंच नहीं होनी चाहिए, उनके मान भाव के साथ ठोकर नहीं लगनी चाहिए। निसंदेह ही उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि आप जाइए और फार्म तैयार कर दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद क्या होता है तो आपने देखा होगा, बंद दरवाजे में उस वक्त जनता पसीना निकाल रही थी और आवाज दे रही थी कि हमारी बात सुनो। और आज जो भाजपा का प्रत्याशी है ये अंदर एसी के रूम में बैठ के ठंडा पानी पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, लेकिन लंदन की जनता से नहीं मिल रहा। भाजपा का जिला अध्यक्ष भी वही था, उसने भी रामबन की जनता से मिलने के लिए जहमत नहीं उठाई। और उन्होंने अंदर क्या कहा कि ये रामबन की जनता नहीं है, बनाल ढूल से लोग आए हुए हैं, यही बात कही थी उन्होंने। उसके बाद होता है कि पार्टी के लीडर बाहर आता है और कहते हैं कि हाथ उठाओ, इसमें से बनाल का कौन है। किसी भी शख्स ने हाथ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि हमें पहले पता होता तो हम आपके लिए खाना भी बना के रखते। जनता ने कहा कि हमें क्रोधी की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ रामबन असेंबली सेगमेंट से सूरज सिंह परिहार चाहिए, यही बात थी। उसके बाद इतिहास बदलता है, किसी शख्स के कहने पे, वो शख्स जो ये कहता था कि रामबन असेंबली सेगमेंट में मैं टिकट भी पैसे से मैनेज कर लूंगा और यहाँ के वोटरों को भी खरीद लूंगा, और हमारा भी जवाब था कि आप धनबल से जितना भी प्रयास कर ले टिकट खरीद सकते हैं,
लेकिन जनता का ईमान, जनता का स्वाभिमान कभी नहीं गिर सकते, कभी नहीं गिर सकते। आपको अगर धन बल का गुमान है तो जनता को इस जन बल का गुमान है। वो जनता है जो राम बल के लिए दिन रात कार्य करती रहती है, राम बल असेंबली सेगमेंट के लोगों के लिए दिन रात काम करती रहती है। क्या मंशूर, क्या इंकलाब, क्या फैसला, इतिहास गवाह है कि जब रामबन असेंबली सेगमेंट के लोग हमारे घर में आए तो उन्होंने कहा परियार साहब टिकट तो बिक चुका है, अब क्या करोगे? तो मैंने कहा तो मैंडेट तो बिक गया होगा जिस तरह आप बता रहे हो। तो जनता ने कहा कि परियार साहब मैंडेट उधर रख दो, आप बतौर इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन कर दो। और जो आपने देखा होगा कि 10,000 से ज्यादा लोग, मैंने पार्टी से रिजाइन किया और 10,000 से ज्यादा लोग सुबह नॉमिनेशन कराने के लिए घर पे आ गए और इसी तरह शाना बशाना नॉमिनेशन किया और घर में वापस पहुंचाया। वो मान सम्मान इतिहास में लिखा जाएगा कि जनता का प्रत्याशी सूरज सिंह है। यहाँ सूरज सिंह इलेक्शन नहीं लड़ रहा, यहाँ रामबन असेंबली सेगमेंट के माताएं इलेक्शन लड़ रही है, बहने इलेक्शन लड़ रही है, नौजवान इलेक्शन लड़ रहा है, बेरोजगार युवा इलेक्शन लड़ रहा है, वो शख्स इलेक्शन लड़ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे गांव में सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, रास्ते हो, डिस्पेंसरी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, स्कूल अपग्रेड हो और उनकी सुनवाई हो, साथ ही साथ हिंदू मुसलमान का भाईचारा हो, वो शख्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके सिवा और क्या चाह रहा था? नॉमिनेशन भरा तो उसके बाद अच्छे से अच्छे सियासतदानों की जमीन खिसकना शुरू हो गई। वो उस देर और अभिमान में जी रहे थे, उस अहंकार में जी रहे थे कि मानो वो सोचते थे कि रामबन असेंबली सेगमेंट के लोग उनकी जागीर है और उनके पिट्ठू बने हैं, जो वो तय करेंगे वही ये कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कैसे कैसे आजकल बड़े बड़े जहाज उतर रहे हैं, बड़े बड़े नेताजी आ रहे हैं, उनका मान सम्मान तो भारतवर्ष में है। लेकिन एक बात बता दूं, वो रामबन असेंबली सेगमेंट में गलत शख्स का प्रचार कर रहे हैं और जिस शख्स के लिए वो वोट मांगने के लिए यहां उतर रहे हैं वो शख्स अपनी सियासी जमीन खो चुका है। वो अपने दम पे बेंच तक नहीं बन सकता है। असेंबली की बात तो बड़ी दूर की बात है, उसकी हिम्मत नहीं। क्या लूट खसोट की थी उसने, क्या दुख दर्द था उस लोगों के दिल में। पूछे उन नौजवानों से जो वोट ठोकरे खाते रहे, धूल चुनते रहे, धूल के बीच में जाते रहे, इसलिए कि दो वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए गुहार लगाते रहे, गुहार लगाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। वो शख्स कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 60,000 मांगने वाला, ये रामबन की जनता कहती है, रामबन की जनता कहती है। और तो और 5-6 महीने के बाद वहां से निकाल फेंका और निकाल दिया। उसके बाद देखिए, अगर स्वराज बेल्ट का कोई नौजवान युवा था, जुंदार बेल्ट का कोई नौजवान युवा था, वोगल परिस्तान का कोई नौजवान युवा था, चाहे हमारे बटन दुकान से लेके पूरा अगर ये एरिया देखे तो धर्मों धोर तक का कोई नौजवान था, उनके साथ क्या रसूख था कि ये बाहर वाले हैं, इनको नहीं लगाना है, यहाँ बिहारी लगेंगे, यहाँ बिहारी लगेंगे। और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उसके इर्द गिर्द चमचागिरी छेर 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 चमचागिरी करने लगे, सिर्फ इसलिए कि रामबन के लोगों का हक खाया है इन्होंने, रामबन के लोगों के साथ बेइंसाफी की है इन्होंने। और इस वक्त जनता जाग गई, जनता ये जानती है कि अपना हक कैसे लेना है, अपनी बात कैसे रखनी है। कभी ये आपने देखा कि ये बड़े बड़े जहाज उस वक्त क्यों नहीं उतरे कि जब हॉस्पिटल में प्रॉब्लम थी, ये बड़े जहाज उस वक्त क्यों नहीं उतरे जब हमारे गांव में सड़क से लेके पानी तक की किल्लत थी,
ये बड़े जहाज उस वक्त क्यों नहीं उतरते थे, उनके मुंह से ये बात क्यों नहीं लिखी कि वीडीजी की सैलरी दो, अनपेड वाले को सैलरी दो, इनको कुछ ना कुछ दो, इनका परिवार है। हमने सोचा कि ये नेता बड़े बड़े हैं जिनका मान सम्मान भी है, मतदान के वीडीजी वालों की कोई बात करेगा। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी का एक मैंने ऑडियो सुना, वो कह रहा है कि मैंने नॉमिनेशन भरना है और जनता को कह रहा आ जाओ, जनता आ ही नहीं रही है। वो कह रहा है कि मेरी कंपनी से बात हो चुकी है, वो हाफ डे कर देगा जीएम, लेबर आ जाओ। उनके साथ वो शख्स है, वो हमारे भाई हैं जो रामबन असेंबली में सेगमेंट करी भर के दूसरी रियासत के बाहर से आए हुए हैं, वो शख्स लेके आधे से ज्यादा वो शख्स लेके नॉमिनेशन किया। और इधर आप चाहे दूरबीन हो, माइक्रोस्कोप है, जो भी लगा लो, सब रामबन असेंबली सेगमेंट के लिए, सब रामबन असेंबली सेगमेंट के लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनका अहंकार इस कदर बढ़ गया है, ना ये गांव के स्कूल की बात करेंगे, ना स्कूल को अपग्रेड करने की बात करेंगे, ना वहां डिस्पेंसरी की बात करेंगे, ना वहां रोजगार की बात करेंगे, ना वहां जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, उनकी बात करेंगे। उन्होंने एक ही पेशा सीखा है कि पैसे खाओ, पैसे खाओ, पैसे खाओ और जनता के साथ धोखाबाजी करते रहो। लेकिन अब जनता सतर्क हो चुकी है, अब ये नहीं मानने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब वो कहते हैं कि कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वो कह रहे हैं ये तो भाई एनसी के साथ मिला हुआ है। अच्छा यार, हमें हिंदू याद आ रहे हैं, हिंदू खतरे में हो रहे हैं। इस साफ लूंगा दोस्त से तो हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा उससे है कि जो ये कह रहा भड़का रहा है जनता को, और ये कह रहे हैं उनके पोस्टर देखिए, उनके फेसबुक पेज देखिए, किस किस्म की राजनीति पे है, भड़काने की राजनीति, हिंदू मुसलमान करने की राजनीति। लेकिन समाज ने ठान लिया है अब ये उनका सौदा बिकने वाला है, इस बार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा रामबन असेंबली सेगमेंट में, अगर इस सिलेक्शन ने क्या चीज लाई है, वो चीज लाई है कि अपने हक के लिए लड़ना है, हॉस्पिटल के लिए लड़ना है, अपने इलाके के स्कूल के लिए लड़ना है, वहां के रोजगार के लिए लड़ना है, वहां की तरक्की के लिए लड़ना है, नौजवानों को और नौजवानों के साथ बढ़कर हिंदू मुसलमान की एकता के लिए लड़ना है। ये पहला इलेक्शन है रामबन असेंबली सेगमेंट का जहां समाज का हर एक वर्ग, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति पंथ धर्म का है, वो आगे आके जनता को कह रहा है कि हमारा प्रत्याशी सूरज सिंह है और उसका चुनाव निशान सलाह के लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और प्रत्याशी है, एक उनका मैंने व्हाट्सएप पे लोगों ने लड़कों जिस तरह जो जनता ने मेरे को भेजा, मैं वहीं से माइक से कह रहा हूँ। उसने कहा कि ये देखिए अब तो सूरज सिंह की मुसलमानों के वोट भी ले रहा है, अब तो ये नहीं, ये बताइए वो कहने लगा कि अब तो ये बताइए इसके साथ तो मुसलमानों के वोट भी आ रहे हैं, आप भ्रम कीजिए और कहिए कि ये तो बीजेपी में चला जाएगा। अरे हमने कहा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो शख्स है जिसने 10,000 लोग जिसके घर पर आए और वहां प्रण लेके कहा कि अगर नॉमिनेशन बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी भरा है तो हम आगे भी इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, ये हमारा एक प्रण है, ये प्रण है। किसी में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोई शख्स इतना नहीं पैदा हुआ ये भ्रम की स्थिति पैदा करे। उनके नेता का क्या कहिए, उमर अब्दुल्ला के बारे में तो जानते हो, इसी जनसभा में वो संबोधित भी कर रहे थे, कुछ बनाल से, कुछ गून से, कुछ कंपनियों वाले और कुछ यहाँ के लोग मिलके यहाँ से स्पीच दे रहे थे। उनके बारे में आप देखें कि 2024 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ तो उन्होंने एमपी का इलेक्शन का फॉर्म भरा,
और उनका एमपी के इलेक्शन में उनके खिलाफ किस शख्स ने भरा, जो शख्स जेल के अंदर था। नतीजा क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रहा है, वो जेल के अंदर बैठे व्यक्ति से हार गया। ये और उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि मैं तो जम्मू कश्मीर जब तक स्टेट नहीं बनेगी तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। यही कहा था ना उन्होंने, ये कहा उन्होंने कि स्टेट बनेगी तब तक, जब तक स्टेट नहीं बनेगी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप तो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं यूटी में, उधर से ये भी सुनने में आया कि इंजीनियर रशीद को बेल हो गई, बाहर छोड़ दिया। इस बार इंजीनियर रशीद ने उसके आगे फार्म भर दिया तो ये मान लेना उमर अब्दुल्ला की जमानत भी जब्त। वो आगे हमें रामबन में बताएंगे कि रामबन की असेंबली के लोग क्या करेंगे। हमारे बीच में आप देख रहे होंगे कि पंजाब से लोग, हमारे बीच में देख रहे होंगे हिमाचल से लोग, हमारे बीच में देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर के जम्मू से आए हुए व्यक्ति। रामबन असेंबली सेगमेंट की माताओं, बहनों को, बुजुर्गों, नौजवानों को समझा रहे कि आप बीजेपी को वोट दो, हिंदू खतरे में हो जाएगा। इधर आप देखिए, आप मेरे को बताइए कि यहाँ सियासतदान खतरे में है या हिंदू खतरे में। मैं पहले ही कह रहा था ये दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने वाली है। आपने पूरी स्पीच में देखा होगा जहां जहां मैं गया, मैंने ये तय किया था कि इस छोटे से वक्त में जितना भी हो, दिन हो रात हो, चलेंगे निस्वार्थ भाव से चलेंगे। चाहे चुचेतर हो, सिरो हो, राजगढ़ सराज बेल्ट हो, पूरी झुमदार बेल्ट हो, पोगल की बेल्ट हो, पोगल परिस्तान का एरिया हो, टंगर दुर्धन भटन हो, कभी खतर वाला एरिया हो, मैत्रा ब्लाउज से लेके सावली सनासर से लेके चाहे बटोत हो, बटोत की लास्ट पंचायत धर्मोन थोर हो, वहां तक हो, जहां भी कोशिश है प्रयास करेंगे पहुंचेंगे। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, आज आप सोच रहे होंगे कि सूर्य सिंह फूल क्यों बरसा रहे। भाइयों, जब मैं गांव में पहुंचा रात को 12 बजे, कहीं 10 बजे, कहीं जितने बजे, लोगों ने भी ऐसे ही स्वागत किया था मेरा। तो अब मैं चूक जाता तो किस मुंह से उनके सामने आंख मिलाता या बात कर पाता। जो शख्स रात के 12 बजे तक भी, जो माताएं रात को हमारी पूरी टीम के लिए खाना बनाती रही हमारे साथ, वो उन्होंने बिल्कुल अपने दुख दर्द शेयर किया, ये बताया कि किस तरह से सियासी दरिंदों ने यहां हमें बांट के रखा और किस तरह से हमारे इलाके की तरक्की को, खुशहाली को और हमारी बात को रोकने के लिए सिर्फ एक ही एक बात करते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम बीजेपी को हो, तुम एनसी के हो। उन्होंने उसी वक्त निश्चित कर दिया कि ये चौड़ा हमें अब फेंक देना है, इस बार अपने भाई अपने फेंक देना है। मेरे हाथ में बांधी हुई है कलाई और कलाई में ये धागा, एक बरतुंड में हमारी एक बहन शिष्टा देवी ने बांधी और जानते हो क्या कहा कि भैया मुझे लगता है माता रानी ने आपको जिता दिया है, तो आप जीते हुए हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी कोई गांव का शख्स हो आप अपने दरवाजे बंद नहीं रखना, चाहे वो शहर से हो गांव से हो, उनकी बात जरूर याद रखना। मैंने बोला मेरी बहन ये बता ये कैसे हुआ, बोलती है उस एमएलए का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि हमारे गांव से एक दफा डेपुटेशन किसी के एमएलए के चला गया, ये सच्ची है, पूछ लीजिए मेरे भाइयों से, ये सच्ची बात आप बता रहा हूं, कहा कि डेपुटेशन एमएलए से मिलने चला गया, हम गांव के लोग हैं, जूता खोलेंगे तो पसीना भी आ जाता है, जूता बाहर खोला अंदर गए तो उन्होंने कहा इनको बाहर रखिए, इनके पांव से स्मेल लाती। भाई साहब, माताओं बहनों, जितना पसीना उनके पांव से निकला होगा उतना मैंने अपने माथे से इस नौ दिन में निकाला। ये प्रण किया कि हर एक जगह पहुंचने की कोशिश करूंगा, ये प्रण किया कि दिन और रात हो जाएंगे जरूर अपने भाइयों के बीच में, उनका दुख दर्द देखने के लिए। जंग किसकी है,
जंग है सड़क की, जंग है पानी की, जंग है रोजगार की, जंग है एजुकेशन की, जंग है बिजली की, जंग है रास्तों की, जंग है डिस्पेंसरी की, जंग है आपसी एकता की, भाईचारे की, नौजवानी त्रस्त आएगी इतना बेइंसाफी की कि आज इनकलाब की आग इस कदर रोमन असेंबली में फैली है कि बड़े बड़े हवाई जहाजों की हवा तक निकल गई है, हवा तक निकल गई है। इस दुख दर्द को पहचानने की जंग है। उनका ये भाई ये बेटा उसी दिन प्रण कर दिया था कि सारा जीवन जनता की सेवा के लिए, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए, जनता के साथ आगे चलने के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए न्योछावर करता है और पूरा जीवन जनता को अर्पित करता है। इसी प्रण के साथ हमने ये कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन पर सूरज सिंह अटल है, इस वचन पर आपका ये भाई अटल है, इस वचन पर आपका ये बेटा अटल है। बात दूर तरफ जाएगी अगर सारे पुलिंदे खोलेंगे, उन चीजों को देखिए जो बेसिक चीज है, जो इंसान का बुनियादी अधिकार है। जहाँ हॉस्पिटल में एक माता हो, बहन हो, पेशेंट हो, कोई डॉक्टर नहीं मिले, वो अगर शाम को कहीं आते थे तो हमारे घर पे बोलते थे कि भैया नीचे चलो, नीचे देखने वाला नहीं है। ना मैं डीडीसी, ना मैं बीडीसी, ना एमएलए, ना मिनिस्टर, लेकिन चुप रहता तो कब तक रहता, जब जनता का सबर टूट गया तो आपके इस भाई का भी सबर टूट गया, जो जनता ने तय किया और जनता अब तय कर रही है। जनाब एडवोकेट सूरज प्रयास साहब, अगर हम देखेंगे तो हमारे पूरे मेंबर असेंबली सेगमेंट में जो पंचायतें हैं, अगर टोटल पंचायतों को कैलकुलेट करेंगे तो हर एक पंचायत में क्या होना चाहिए, क्या मंशूर होना चाहिए, किस लिए असेंबली में कोई नुमाइंदा भेजा जाता है, उस पंचायत का सिस्टम निजाम किस किस्म का होना चाहिए। वहां सड़क हो, बिजली हो, रास्ते हो, पानी हो, डिस्पेंसरी हो, एजुकेशन सिस्टम हो, स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड हो, स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटराइज एजुकेशन हो, नेटिंग सिस्टम हो, इस किस्म का पैटर्न हो, ताकि वहां बेसिक रूट लेवल पे उनको सहूलियत प्रोवाइड की जाए। इसी पैटर्न पर हम काम करेंगे और पूरे असेंबली सेगमेंट की जो भी डिमांडें हैं उनको लिखित में रखा है हमने, उसमें से किसी ने भी एक नहीं कहा कि मुझे आसमान से तारे चाहिए, मुझे चाहिए संगलदान की सड़क इधर, ये ट्रेन इधर पहुंचनी चाहिए। उनकी वो डिमांड है जो हमारी बेसिक डिमांड है। इन डिमांडों को पूरा करने के लिए, इन डिमांडों को आगे बढ़ाने के लिए और उनके मंसूबों को पूरा करने के लिए हमने प्रण लिया है कि ये सारे कार्य आपका भाई, आपका ये बेटा निश्चित रूप से करेगा। एक मैं संदेश अपने बीडीसी भाइयों को भी देना चाहता हूं, आखिर कब तक वोट पे वोट, वोट पे वोट, वोट पे वोट देना है। मान्य आपको जब बुलाया गया कि माननीय श्री राजनाथ सिंह आए और ये कहा गया कि आप आइए, आपको रेगुलराइज करेंगे, सैलरी देंगे, लेकिन माननीय श्री राजनाथ सिंह ने बीडीसी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला, और उसके बाद सुनने में कि जिन लोगों ने बुलाया था उनको तो बीडीसी वालों ने उसके कुछ कुर्ते भी फाड़ दिए। आप देखें कि किसी भी शख्स ने उस मंच से ये नहीं कहा कि बीडीसी का मुद्दा है उनको सैलरी दो, अनपेड सैलरी वाले ग्रुप है उनको सैलरी दो, और डिस्ट्रीब्यूशन और गन अलॉटमेंट प्रॉपर तरीके से की जाए, जात बेस पे नहीं की जाए। आप किस किस्म की राजनीति, लेकिन इस मन से आपका ये भाई ये बेटा खुले दिल से आवाज उठा रहे, जानते क्यों? क्योंकि हम आजाद उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवार है, किसी का चोला नहीं पहना है इस वक्त, और ये आवाज आगे भी उठाते रहेंगे, असेंबली में भी उठाते रहेंगे, उन नेताओं के पास भी उठाते रहेंगे जिन्होंने सारी उम्र
इनका वोट बैंक सूदखोरी में खा लिया है। अब वक्त आ गया है परिवर्तन करने का समय है और परिवर्तन के साथ ही साथ समाज को आगे लेने का समय है। हम सब एक होके आगे बढ़े, समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ाएं, आपसी विश्वास बढ़ाएं। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति पंथ धर्म का क्यों नहीं हो, माताएं हो, बहने हो, हम सब अपने मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में अगर कोई निकलकर कोई परचम लहराएगा, मुझे लगता है इस बार सलाई की मशीन का परचम लहराएगा, सलाई की मशीन का परचम लहराएगा। दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप एक बात और बलिभांति से जानते हैं कि मातृशक्ति का सम्मान करना इंसान का परम धर्म है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों नहीं। लेकिन सुनने में आया है कल की एक वारदात जो मेरी नोटिस में आई है कि भाजपा के प्रत्याशी ने ऐसी तार तार की है मातृशक्ति को कि वो लूट खाने के लायक नहीं है। ये याद रखिए कि ऐसे दरिंदों के लिए वोट मांगने वाले व्यक्ति, ऐसे जाहिलों के लिए वोट मांगने वाला व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो ये कहते हैं कि राकेश जैसे व्यक्ति को वोट दे दे, उसके चार चरित्र